अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स फॉर किड्स, जो कि बनाया गया है बच्चों के मैथ्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड। यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जैसे कि इस चैनल का नाम ही है मैथ्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए है, तो कोशिश की जाएगी कि बच्चों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है बोडमास रूल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बोडमास रूल का नाम जो है, बोडमास क्यों रखा गया था, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बोडमास, BODMAS। बी का मतलब यहाँ पे है ब्रैकेट, ओ का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद यहाँ पे है एडिशन, और एस का मतलब यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। इस रूल को अगर इस्तेमाल करके हमने कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इस रूल के नाम में ही उसका जो है सॉल्यूशन छुपा हुआ है। वो कैसे? अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए उस एग्जांपल को सॉल्व करना है। यानी कि कोई भी एग्जांपल है तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ऑर्डर को, देन डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन को, और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन को। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि बोडमास रूल को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हम जो है, अगर हमें ये नहीं भी कहा जाता कि बोडमास रूल को यूज़ करें, तब भी अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर भी डिजिट्स हैं, ऑर्डर में भी है, कुछ डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो इनमें से चंद एक चीज़ें हैं, तो हमने पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है। बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि हम एडिशन को सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करें या डिवीजन को करें। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आपको अपने एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन को जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं, आप किस तरह से बोडमास रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर वन, कोई भी हम डिजिट्स ले लेते हैं, 4 + 6 - 8 × 8/4। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी इक्वल का साइन। अब सबसे पहले हमारे पास इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 + 6 - 8 × वी नो दैट अगर हम 8 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें, 4 × 2 होता है 8, 0, ये आपका है रफ वर्क, 0 आ गया आंसर, तो हमारे पास 0 यहाँ पे रिमाइंडर है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, बाज़ बच्चे जो इक्वल का साइन नहीं लगाते क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पेपर्स में, एग्जाम्स में, तो उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। अब मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और मल्टीप्लिकेशन भी है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन में सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे डिवीजन ब्रैकेट के अंदर ही थी, वो भी सॉल्व होगी। देन हमने सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, सो एडिशन वाले नंबर्स वैसे ही रहेंगे, -8। अब हम मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम 8 × 16 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गया। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमने पहले एडिशन सॉल्व करना होता है एंड देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, 4 + 6 एज वी नो दैट इक्वल्स टू 10 - 16, 10 - 16 - 6, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन की बच्चों को जो है वो इस रूल की अच्छी तरह समझ आ जाए, अच्छी तरह क्लियरेंस हो जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने कोई भी क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व करना है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर भी हो, 25 / 5 - 6/2 + 8। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन ऑर्डर। ब्रैकेट इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, ऑर्डर है, तो हम सबसे पहले ऑर्डर को सॉल्व कर लेंगे। इक्वल का साइन, 25 / 5 ये वैसे ही रहेगा, माइनस ऑर्डर, वी नो दैट 6 × 6 = 36, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर सॉल्व होके 36 + 8। नाउ डिवीजन हमने सॉल्व करनी, ऑर्डर हो गया,
ऑर्डर के बाद हमने क्या करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। तो डिवीजन 25 डिवाइडेड बाय 5 है हमारे पास, यहाँ हम 25 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। वी नो दैट 5 इज़ 25, कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया है और आंसर आ गया हमारे पास 5। 5 माइनस 36 प्लस 8, डिवीजन भी सॉल्व होगी। अब हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन, जो कि क्वेश्चन के अंदर नहीं है। नाउ वी विल सॉल्व एडिशन, जो जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं हम उनको इकट्ठा लिख लेंगे। 5 के साथ प्लस का साइन है और 8 के साथ, माइनस 36 को हम अलग लिख लेंगे। 5 प्लस 8 वी नो दैट इक्वल्स टू 13 माइनस 36, 36 आ गया। अब हमने लास्ट हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू दिस रूल सब्ट्रैक्शन ही बची है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 36 को, हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे 36 माइनस 13, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, माइनस 23 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, तो हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि 13 छोटा नंबर है और 36 जो है वो बड़ा नंबर है। साइन हमेशा वही आता है जो बड़े नंबर के साथ का होता है। सो माइनस यहाँ पर इसलिए है बिकॉज 36 बड़ा है 13 से और माइनस का साइन जो है वो 36 के साथ था। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक दफ़ा फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि बॉडमस रूल का क्या मतलब है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी है, ब्रैकेट्स भी हैं, ऑर्डर भी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सॉल्व क्या करना है। तो बॉडमस रूल इसीलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स होंगे उनको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली एग्जांपल ली थी, इसमें ब्रैकेट हमने सबसे पहले सॉल्व की थी और उसके बाद जो है यानी ब्रैकेट्स के अंदर वाले जो भी डिजिट्स थे उनके अंदर जो भी डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उनको आप पहले सॉल्व कर लेंगे। देन अगर कोई भी ऑर्डर के साथ नंबर है, जैसे कि हमने एग्जांपल 2 ली थी, इसमें 6 ऑर्डर वाला जो डिजिट था, 6 की पावर 2 थी, हमने उसको सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करनी, देन ऑर्डर सॉल्व करना, उसके बाद डिवीजन, कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर्स ऐड हो रहे होंगे हम उनको ऐड करेंगे और लास्ट पे हमने जो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत आसान है अगर ये रूल जो है, अगर इसका सिर्फ नाम की स्पेलिंग ही जहन में रख ली जाए तो कोई भी क्वेश्चन हम इस तरह का बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, उनको चाहिए कि इस रूल के स्पेलिंग्स जो है वो याद कर लें और जब भी आपके एग्जाम में इसमें के क्वेश्चन आएँ तो आप एक साइड पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह इसके स्पेलिंग लिख के, तो इसके आगे आप लिख लें ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ताकि आपको अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाएँ तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।